जोश। सोनिया गुलानी अपनी किताब में मनोहर परिकर से मुलाकात का जिक्र करते हुए कहती हैं, शाम के 6 बज रहे थे जब वो सीएम मनोहर परिकर से मिलने उनके ऑफिस पहुंची। इस वक्त बाकी ऑफिसर अपने घर जाने की तैयारियों में लगे हुए थे, लेकिन परिकर साहब का ऑफिस रात के 10 बजे तक काम करता था और ऐसा हफ्ते में 4 दिन तो होता ही था। गोवा के पणजी से 19 किलोमीटर दूर मापुसा में जन्मे परिकर 5 बहन भाइयों में चौथे नंबर पे थे। अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए परिकर बताते हैं कि वे टीन के डिब्बे के साथ फुटबॉल खेलते हुए स्कूल जाया करते थे। उनका मानना था कि ऐसा करने पर उन्हें परीक्षा में अच्छे नंबर मिलेंगे। अपने दोस्तों के बीच भी परिकर खूब लोकप्रिय थे। परिकर बताते हैं कि उनके दोस्त उन्हें किंग ऑफ आइडियाज कहकर बुलाते थे।